देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं, जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। इस वक्त जब सरकार ये कहती है कि हम मजार हटाएंगे, तो ये बताना चाहिए कि मजार हटाने के साथ साथ बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे, और जो प्राइस राइज है, जो इतनी महंगाई हो गई है, उसके लिए क्या करेंगे। असली मुद्दे इस देश के वो है, इन व्यवस्थाओं को ठीक करें, लोगों को जागरूक करें, तो अपने आप ही इस तरह की समस्याएं जो एनक्रोचमेंट के रूप में उत्पन्न होती है, या आप जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वा लेते हैं, ये नहीं होगा। इसी कारण से आप वो नहीं करेंगे। यहाँ डिवीजन वाइज इस पर हमने जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन यहाँ पर कितने पुराने पुराने कंस्ट्रक्शन है और कितने नए हैं, इन सबको एक मोटे तौर पर आप बता सकते हैं कि कितनी मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं। देखिए, मोटे तौर इनको मैंने कभी काउंट नहीं किया, कंपाइल नहीं हुआ ना, डेटा कंपाइल नहीं किया गया, कभी काउंट नहीं किया, लेकिन इस तरह की सारी सूचनाएं विभाग के पास है। और एक सवाल उठ रहा है कि अब मजारें तोड़ी गई हैं, तो क्या दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की कार्रवाई। देखिए, कोई किसी, मैंने आपसे कहा ना कि धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है, किसी तरह की भी धार्मिक अगर अतिक्रमण होगा धार्मिक गतिविधियों को लेकर, तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। फॉरेस्ट की जमीन पे किसी तरह का भी अतिक्रमण होगा, ये बहुत स्पष्ट आदेश है कि किसी तरह के अतिक्रमण को, चाहे वो धार्मिक अतिक्रमण हो और चाहे वो किसी का मकान बनाने का प्रयास हो, जंगलात की जमीन को कब्जाने का प्रयास हो, उसमें विभाग निश्चित रूप से सख्ती से निपटेगा। और इसी के तहत जो है कुछ जगह पर जो अतिक्रमण किया गया था, उसको तोड़ने का काम किया गया। सीधा सीधा एक उसूल है और कायदा है कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर की जगह में कब्जा जमा कर उसमें मजार बनाया जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इस किस्म का कोई तालीमी इदारा बनाया जाए। हम देखें कि दूसरे की ज़मीन में, काबिज ज़मीन में, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, बल्कि इसको नाजायज़ कहा है। इस्लाम हमेशा जायज़ चीज़ का हामी है, नाजायज़ चीज़ का हामी नहीं है। गलत चीज़ों का इस्तेमाल और गलत तरीके से उसका इस्तेहसाल और गलत तरीके से उसका हासिल करना किसी तरह भी जायज़ नहीं है, वरना फिर इस दुनिया में इंसाफ कहाँ रहा। अगर इंसाफ की बात है तो यही है कि जायज़ नाजायज़ को देख करके हर लोग, हर आदमी, हर फ़िक़े के आदमी इस बात को सामने रखे कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो जायज़ है या नाजायज़ है। समझे, किसी दूसरे की मिल्कियत तो नहीं है, किसी की दूसरे की मिल्कियत होना उसके लिए बाइस जुर्म होगा।